भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के मुख्य प्रवक्ता एवं विधायक अजय चंद्राकर ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस द्वारा बनाई गई घोषणा पत्र समिति पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस को जन घोषणा पत्र समिति का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने पहले ही जन घोषणा पत्र जारी करके जिसके दम पर वह सत्ता में आई छत्तीसगढ़ की जनता को ठगा है, जनता के साथ झूठ बोला है, इसलिए नए घोषणा पत्र जारी करने की आवश्यकता नहीं है, उनकी विश्वसनीयता समाप्त हो गई है। वहीं उन्होंने खुज्जी विधायक श्रीमती छन्नी साहू पर हुए हमले की निंदा करते हुए कहा कि विधायक छन्नी साहू पर हमला हुआ जो जानलेवा हमला भयभीत करने वाला है। मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उनकी जान बच गई, लेकिन इस घटना ने सबको चिंतित कर दिया है। के खुज्जी विधानसभा क्षेत्र की विधायक छन्नी साहू के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। इसमें हमको देखना, जानना और समझना है कि ये कांग्रेस की गुटी लड़ाई का परिणाम तो नहीं। श्रीमती छन्नी साहू की निष्ठा सर्वविदित है कि वो माननीय मंत्री टीएस सिंहदेव जी से जुड़ी हुई है, तो उनके ऊपर हुए आक्रमण को इस एंगल से भी देखा जाना चाहिए। और यदि यह एंगल सत्य नहीं है तो विधायक के ऊपर यदि हमला हो सकता है तो इसमें गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। मतलब ये हम समझ लें कि कोई भी व्यक्ति छत्तीसगढ़ में सुरक्षित नहीं है, उसके ऊपर कोई भी आदमी कभी भी हमला कर सकता है, चाहे वो कितने भी सुरक्षा में रहे। तीसरा एंगल इसका ये है कि छत्तीसगढ़ में नशे का प्रभाव सरकारी संरक्षण में किस तरह से पनप रहा है और उसके परिणाम समाज पर क्या दिख रहे हैं, ये हम सबके लिए बड़ी चिंता का विषय है। और इसके लिए यदि कोई जिम्मेदार हैं तो प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी जिम्मेदार हैं। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि छन्नी साहू जी के ऊपर जो आक्रमण हुआ उसकी तो निष्पक्ष जांच के लिए न्यायिक जांच करवानी चाहिए, क्योंकि ये कांग्रेस के गुटी लड़ाई का भी परिणाम हो सकता है और न्यायिक जांच से ही सारे तथ्य सामने आएंगे। कांग्रेस ने माननीय मोहम्मद अकबर जी की अध्यक्षता में एक घोषणा पत्र समिति बनाई है। मैं सोचता हूं कि इस घोषणा पत्र समिति का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने पहले ही जन घोषणा पत्र जारी करके जिसके दम पर वो सत्ता में आई छत्तीसगढ़ की जनता को ठगा है, छत्तीसगढ़ की जनता के साथ झूठ बोला है, इसलिए नए घोषणा पत्र जारी करने की जरूरत नहीं है, उनकी विश्वसनीयता समाप्त हो गई है। और यदि करना राजनीतिक रूप से जरूरी है तो दो बातों पर ही वो जारी करें, एक कि कर्जा कहां से अधिक छत्तीसगढ़ को मिल सकता है और दूसरा कांग्रेस जनों को अधिक से अधिक रेवड़ी कैसे बांटी जा सकती है, मुफ्तखोरी में छत्तीसगढ़ के लोगों के कर का राजस्व कैसे लुटाया जा सकता है, छत्तीसगढ़ के खजाने को कैसे लुटाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी, उसके मंत्रिमंडल के सहयोगी या कांग्रेस हाईकमान है, उनके पास छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर कोई विजन नहीं है। और यदि विजन है तो सिर्फ और सिर्फ अपराध, तस्करी, वसूली, अवैध वसूली, लेवी वसूली, कानून व्यवस्था को खराब करना, यहाँ तक कि शिक्षा में भी घोटाला करना। और आज तो हद हो गई कि जो स्कॉलरशिप के पैसे मिलते हैं अल्पसंख्यक संस्थानों के शिक्षा के लिए, उसमें यदि सबसे ज्यादा गड़बड़ी किन्हीं राज्यों में हुई है तो उनमें से एक राज्य छत्तीसगढ़ है। तो माननीय मोहम्मद अकबर जी को, जनाब मोहम्मद अकबर जी को ये भी बताना चाहिए कि भ्रष्टाचार हम किन किन बिंदुओं पर कर सकते हैं, इस प्रदेश को कैसे लूट सकते हैं। ये सिर्फ कांग्रेस के घोषणा पत्र का एक लाइन का विषय होना चाहिए और इस पार्टी को जनता के सामने बात रखने का कोई हक नहीं है, क्योंकि पिछली बार इन्होंने जन घोषणा पत्र के माध्यम से छत्तीसगढ़ की जनता को सिर्फ ठगा।